कौन से तोते सबसे अच्छे मनुष्य की भाषा बोलते हैं, किन घोड़ों के होते हैं अपने पासपोर्ट, मकड़ी अपने से बड़े जीव को कैसे खा लेती है, सुअर किस मजबूरी में लौटते हैं कीचड़ में, ऐसी ही जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। क्या आपको पता है तितली किसी भी चीज का स्वाद अपने पैरों से चखती है और इनकी आंखों में 6000 लेंस होते हैं जिनकी मदद से ये अल्ट्रावायलेट किरणें तक को देख सकती हैं। इनका खून ठंडा होता है, ये तभी उड़ सकती हैं जब इसके शरीर का तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 29 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। इसके अलावा धरती पर एक 8998 नाम की तितली भी है। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके पंखों के एक तरफ 89 और दूसरी तरफ 98 लिखा होता है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अपने कुत्ते बिल्ली गाय का आधार कार्ड के बारे में सुना होगा जिस पर समय समय पर खूब बवाल मचता है, पर क्या आपको पता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले घोड़े बिजनेस क्लास में सफर करते हैं और इनके पास अपना खुद का पासपोर्ट होता है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले ग्रे पैरट दुनिया के सबसे अच्छी बोली बोलने वाले तोते होते हैं। ये 4 से 5 साल के बच्चे की उम्र के बराबर बोल सकते हैं। जितनी स्पीड से टाइगर दौड़ सकता है उतनी ही स्पीड से तोता उड़ भी सकता है। तोते के स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर वह दिल्ली शहर को एक तरफ से दूसरी तरफ पार करना चाहे तो मात्र 50 मिनट में पार कर देगा। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है कि मकड़ी अपने खुद के बनाए जाल में क्यों नहीं फंसती? आपने देखा होगा कि मकड़ी का जाला चिपकने के बाद उसे हटाना कितना मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे कीड़े मकड़ी के जाल में आसानी से फंस जाते हैं लेकिन मकड़ी खुद कभी नहीं फंसती क्योंकि मकड़ी का पूरा जाल चिपचिपा नहीं होता। मकड़ी बड़ी चालाक होती है, वह कुछ हिस्सा तो चिपचिपा बुनती है और जहाँ इसे बैठना होता है वो हिस्सा बिना चिपचिपे पदार्थ से बुनती है। ये मकड़ी अपने जाले को रिसाइकल भी करती है जब 1 दिन 2 दिन या उससे भी ज्यादा दिनों में जाले के चिपचिपाहट खत्म होने लगते हैं तब मकड़ी पुराने जाले को बॉल की तरह इकट्ठा करके उसे अपने पेट में से एसिड निकाल कर डाल देती है जिससे वह लिक्विड में बदल जाता है और मकड़ी उसे खा जाती है और तब फिर से नया जाला बना लेती है। उनका मुंह बहुत ही छोटा होता है इसलिए अपने से बड़े ये शिकार को भी पहले ऐसे ही पिघलाती हैं फिर सूप की तरफ पी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अब बात करते हैं सुअर की, तो सुअर इंसानों से ज्यादा तरह के स्वाद चख सकते हैं क्योंकि इंसानों के पास 9000 जबकि सुअरों के पास 15000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं जीभ में पाई जाती हैं जिनसे हम टेस्ट का पता कर पाते हैं। सुअर की चीख की आवाज 115 डेसिबल तक हो सकती है। ये एक सुपरसोनिक विमान, आवाज के गति से भी जो विमान तेज चलते हैं उनसे भी 3 डेसिबल ज्यादा ही है जबकि इंसान के कान मात्र 120 डेसिबल तक की आवाज सुन सकते हैं। इसलिए पहले के लड़ाई में इनका इस्तेमाल होता था, इनकी आवाज से घबरा के घोड़े हाथी उधर उधर भागने लगते थे। अब बात करते हैं सुअर की कीचड़ में लौटने की, तो सुअर के पास पसीना छोड़ने वाली ग्रंथि नहीं होती इसलिए यह गर्मियों में अपने शरीर के तापमान को ठंडा रखने के लिए अपने आप को कीचड़ में भिगोते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। मच्छर इंसान के सांस भी सूंघ सकते हैं। ये 75 फीट दूर से कार्बन डाइऑक्साइड सूंघ लेते हैं। आइसलैंड अकेला ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं। किसी भी और रंग के बजाय मच्छर नीले रंग की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके अलावा मच्छर उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिन्होंने अभी अभी केला खाया है। यदि मच्छरों को खून न मिले तो ये नए बच्चा पैदा नहीं कर सकते क्योंकि इनको अंडा देने के लिए ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है और ये जरूरत इंसान के या जानवर के खून को पी के ही पूरी होती है। इसी तरह के फैक्ट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।